बाबा नंद सिंह जी महाराज ने 100 जन्म की भगती की थी, ते गुरु नानक साहब ने किन्नी की थी सी? ताड़ी लाई सिरजनहारे, 36 युग, 36 युग समाधि लाई रखी सी। ये भगती दे सारे फल प्राप्त होंदे आ। बाबे नानक ने 36 युग, 9 युग, 1-1 अक्षर ते भगती की थी, ते 36 युग भगती करके केवल वाहिगुरु बनाया। वाहिगुरु गुरु नानक देव जी ने प्रगट किया 36 युग बंदगी तो बाद। अरबद नरबद तुंदूकारा, वो शब्द विच आउंदा कि 36 युग गुबार हनेरा ही सी। बाबा नानक जी समाधि ला के नाम जपते रहे, इन्नी भगती की गुरु नानक साहब ने, ते वाहिगुरु प्रगट किया, ते मंगिया की अकाल पुरख परमात्मा तो, उन्हें आपदा रूप बना लिया गुरु नानक साहब ने। तो गुरु नानक साहब ने कहा सी जी मैनु गरीबी दे दिओ, सारी गरीबी गुरु नानक साहब ही ले आए सी, मंगनी गरीबी। तो बाबा नंद सिंह जी ने 100 जन्म दाता पे पुछ वाले कहते सी 100 जन्म बंदगी की थी, ते 100 जन्म बंदगी तो बाद जो गुरु नानक साहब प्रसन्न होए तो फिर आख्या सी जी मैनू अपना बना लो गोला, धन गुरु नानक जी भी मैनू आपदी सेवा च लाओ, आपदा दास बनाओ, गोला बनाओ। सारिया ने पढ़ना प्रेम नाल, असी तेरियां दरां दे गोले, धन गुरु नानक जी, असी तेरियां दरां दे गोले, धन गुरु नानक जी, दरां दे धन गुरु। सारे बोलो संगत, आसी तेरियां दरां दे गोले, धन गुरु नानक जी, आसी तेरिया दरा दे गोले, धन गुरु नानक जी, एक घर विच हुंदा है पुत्र, पुत्र हौली हौली घर दे विच बाप बन जाता है, घर का मालक बन जाता है, पुत्र बनता मालक, नौकर जेड़ा है वो नौकर ही रहिंदा है, वो उन्दे प्यो का भी नौकर सी, दादे का भी गुलाम सी, उन्दी पीढ़ी गां नौकर ही रहिंदी है। नौकर कदी भी मालक नहीं बनता, कदी उस घर का मालक नहीं बनता, बाप नहीं बनता, वो गुलाम ही रहिंदा। इस करके बाबा जी ने कहा सच्चे पातशाह असी इस घर के मालक ना बनीए, असी इस घर के नौकर ही रहिए सदा, पर साड़ी पीढ़ी नौकरां दी ही रवे, मछी दे परिवार वांग जीवन मरना विसरे, पानी
कहते मच्छी का परिवार जेड़ा ना गुरसिख वंशी परमहंस मच्छी वंश पाणी जी रही है पाणी जी मरती है गुरसिख गुरु के चरणा च जमदे मरते आ इस करके सच्चे पातशाह सानू गुलाम बनावो सानू गोला बनाओ असी तेरे घर दे गोले हाँ मैनू अपना बना लो गोला कदी भी मेरे मन च ना आवे कि मैं मालक हाँ ये संपत्ति मेरी ये जायदाद मेरी है वो पुत्र का हक होंदा है इस करके सच्चे पातशाह असी तेरे गोले हाँ तेरे गुलाम हाँ ते बाबा जी दे घर दी मर्यादा तुसी सारे महापुरशां तो सुनिए कि सब तो जरूरी पाठ करना नितनेम करना अमृत छकना सारे महापुरश जोर ला के गया कि अमृत छको नितनेम करो बाणी पढ़ो बाबा जी कहिंदे सी जे साडे नाल सांझ रखनी है तो गुरु ग्रंथ साहिब का एक सहज पाठ करो महीने च नहीं हो सकता पंजाह पाठ सुखमनी साहब दे कर लो सहज पाठ का फल मिलेगा 250 पाठ जपजी साहब दे कर लो महीने चो सहज पाठ का फल मिल जाएगा या फिर कर लो वैगुरु वैगुरु दियाँ 80 माला रोज फिर भी पाठ का फल मिल जाएगा तो या कर लो पहली पौड़ी मूल मंत्र दियाँ नानक होसी पी सच तक 6 माला कर लो तो तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ का फल मिलेगा सच्चे पातशाह चोड़ियां भरन सारियां संगतां बाहां खड़ियां करके हाजरियां लाओ समझो धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज बाबा ईश्वर सिंह जी दो आसन लगे हुए आ दोनों महापुरश विच विराजमान ने तीसरे गुरु ग्रंथ साहिब गुरु नानक साहब ने गलतियां भुल्लां दी माफ़ी आप दियां सेवा आप लैन पिछले पाठां दी गिनती जिहड़ी है वह हैगी 3,91,605 सचखंड की भेटा 70,000 संगतां वल्लों कीते पाठ 1,290 पाठां की कुल गिनती 4,62,895 ये पाठ ने सारे ने पाठ करके पूर्णमाशी ते लिखाउणे आ हुण कविता वाले गुरमुख प्यारियां तों हाजरी भरनगे संत बाबा गेजा सिंह जी वल्लों ये शुरू होई बाबा जी ने उन्हां नूं टाइम दिता सी कि तुसीं हाजरी भरिया करो उन्हां दियां बनाईयां कविता गुरमुख प्यारे सुनाउणगे वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू धन गुरु नानक